हेलो एवरीवन वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी सो टुडे इज़ फोरटीन नवंबर ऑलमोस्ट पंद्रह दिन बचे हैं हमारे क्लैट एग्ज़ाम के लिए पीपल आर एक्साइटेड यू मस्ट बी एक्साइटेड कि होगा नहीं होगा हो गया तो कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी कौन सा कॉलेज मिलेगा तो so, अगर अब तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है देन आई वुड से इफ़ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग बाई योर हार्ट देन येस डेफिनेटली क्लैट फिफ्टीन डेज में भी हो जाएगा इट्स नॉट लाइक दैट कि फिफ्टीन डेज में नहीं हो सकता कुछ स्ट्रैटेजीज हैं कुछ है, क्लैट एग्जाम अब देखो उसके लिए क्या है सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाई क्लैट एग्जाम इन पंद्रह दिनों में कैसे हो सकता है पढ़ा तो कुछ है नहीं देन तो आपको सबसे पहले तो ये रखना है कि भाई अपने पंद्रह दिनों के लिए सब चीजें भूल जाओ पार्टीज बर्थडे पार्टीज आउटिंग डिनर सब कुछ सिर्फ आपका फोकस रहना चाहिए कि भाई मुझे पंद्रह दिन अपना जो टारगेट है पंद्रह दिन उस टारगेट पे मुझे उस रूटीन पे सेट रहना है तो वो पंद्रह दिन की मेहनत है आपकी उसके बाद लाइफ सेट है तो इसके लिए क्या है देखो सबसे पहले हम बेसिक्स कुछ देख लेते हैं कि क्लैट एग्जाम जो होता है ना ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है इंग्लिश मोड में होता है ये देन एग्जाम ड्यूरेशन जो होगा आपका दैट विल बी ऑफ टू आवर्स टू आवर्स का होगा एंड ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है जब आप क्लैट एग्जाम देने जाओगे ना तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है माइनस तो आपका फोकस क्या रहना चाहिए जिसमें आप फुल्ड श्योर sure हो ना कि ये भाई मेरे ये क्वेश्चन सही होंगे ही होंगे उनपे टिक करो जिसमें आपको डाउट है ना इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग जस्ट लीव क्वेश्चन का देखो जो तो आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन होंगे ना उनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बट अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसमें क्या होगा आपका नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा और जो आपकी चीजें सही हैं वो स्कोर भी लो डाउन हो जाएगा आपका तो आपको क्या करना है इंस्टेड ऑफ मार्किंग रॉन्ग जस्ट लीव देम लीव दैट क्वेश्चन अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी मच प्रिटी श्योर कि भाई आपने जो भी क्वेश्चन मार्क करा है वो सही है अब देखो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आपको ये फिफ्टीन डेज में फॉलो करनी है अगर इस स्पेसिफिक रहते हो तो क्लैट एग्जाम हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है नथिंग इज इम्पॉसिबल बाय हार्ट आपको ये करना है कि भाई मुझे क्लैट एग्जाम क्लियर करना है क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मुझे क्लियर करना है अच्छा कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद जाना बर्थडे पार्टीज में और जहाँ पे भी जाना है ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले यू हैव टू एनालाइज द सिलेबस सबसे पहले सिलेबस देखो भाई अगर आप आप पूछ रहे हो कि आप पंद्रह दिनों में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा तो इट इतनी आपने पहले से प्रिपरेशन तो नहीं स्टार्ट करी है तो अब आपको स्टार्ट करने के लिए क्या करना है सबसे पहले आपको सिलेबस एनालाइज करना है कि कौन कौन से मतलब सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं कितने सेक्शंस होंगे वो सब आपको एनालाइज करना है ठीक है आफ्टर दैट इज डोंट एक्सपेक्ट वेरी गुड मार्क्स पंद्रह दिनों में आप ये मत एक्सपेक्ट करो भैया आपके 120 में से 100 नंबर आ जाएंगे नॉट पॉसिबल बोलने को तो मैं बोल कि कि हाँ भी मेरे 120 में में से 110 भी आ जाएंगे, थोड़ा ये करो, आपने आपने कुछ पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, है, yes, अगर आपने मन, मन में सोच लिया कि भाई मुझे करना है, then definitely हो जाएगा, तो इसमें आपको क्या करना है सर्वाइवल मोड पे है ना अभी आप ये नहीं कि दैट यू so कि आपके भाई 80 मार्क्स आ जाए इससे क्या होगा इससे आपका क्लैट में एडमिशन हो जाएगा कोई भी एनएलयू आपको मिल सकता है नाउ टिक टू योर स्ट्रेंथ सबसे पहले आप अब क्या करना है सबसे पहले आपने सिलेबस देखा उसके बाद आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है हाई मुझे इतने अच्छे मार्क्स लेके आने मुझे इतने अच्छे मार्क्स लेके आने। नो जस्ट कूल डाउन रिलैक्स करो आपको सिर्फ क्या करना है आपको ये करना है कि भाई मेरे इतने नंबर आ जाए कि मुझे फ्लैट में एडमिशन मिल जाए मेरा मतलब कोई एनएलयू में एडमिशन हो जाए ठीक है इस पर फोकस करना है क्योंकि वो वाला जो टाइम था ना कि हाँ भाई मुझे 120 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं 120 में से 110 मार्क्स लेके हैं भाई वो टाइम तो गया अगर वो टाइम पे प्रिपरेशन करनी थी तो वो आपको अगस्त से स्टार्ट करना चाहिए था और आई मस्ट से आपको जुलाई से स्टार्ट करना चाहिए था या फिर अपने यू इन योर उस टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए था अभी तो यू आर इन अ सर्वाइवल मोड डोंट एक्सपेक्ट गुड मार्क्स आपको बस इतना है कि आपके इतने मार्क्स आ जाए कि आपको एनएलू मिल जाए अब यहाँ पे आपको क्या करना है यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क वर्क विद हार्ड हार्ड वर्क तो आपको तब भी करना होता अगर आप एक साल पहले प्रिपरेशन कर देते बट वहां पे क्या था वहां पे यू हैव अ टाइम टू यू नो लुक अप आफ्टर द थिंग्स कि किसको आप छोड़ सकते हो किस आप कर सकते हो बट यहाँ पे आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना है उसके बाद स्मार्ट वर्क करना है गधा मजदूरी नहीं करनी कि भाई लगे हुए हैं दस दस बारह बारह चौदह चोड़ चौदह घंटे पढ़ रहे हैं पढ़ना तो है ही लेकिन स्मार्ट वर्क करना है कि भाई क्या करना है कैसे करना है अब स्ट्रिक टू योर स्ट्रेंथ इसके बाद आता है कि जो भी चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है ना मतलब आपको लगता है कि भाई पर्टिकुलर टॉपिक्स में से ये मेरे टॉपिक्स अच्छे हैं कुछ तो पढ़ रखा होगा ना पहले अगर नहीं भी पढ़ रखा सपोज करो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हो तो उसमें आपका मैथ्स अच्छा होगा ठीक है तो उसमें क्या होगा आपका लॉजिकल रीजनिंग में आपको हेल्प हो सकती है फाइन और आपको क्वान्टिटेटेटिव एप्टीट्यूड में हेल्प हो सकती है तो जो आपकी स्ट्रेंथ है ना उनसे स्टार्ट करना उससे क्या होगा ना उससे आप बिल्कुल ही लोअर डाउन नहीं फील करोगे अगर, अगर सबसे पहले ऐसी चीज उठा ली जो आती ही नहीं है तो वहीं पे कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा वो हमें नहीं करना है जो चीज़ें हमारी मैं, हमें लगता है कि दिस दट येस आई कैन डू दिस उससे स्टार्ट करना उससे क्या होगा उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा अब कॉन्फिडेंस आएगा तो क्या आएगा कॉन्फिडेंस आएगा तो यू विल बी लाइक नहीं आई कैन डू और हो जाएगा बस आपको एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करना है और अपने मन में सोचना है कि नहीं मेरा मैं करूंगा और मेरा हो जाएगा तो उस चीज के साथ दी, 20 देज, 15 देज, आपका जो भी भी टाइम बचा है है उसको वो रखना कहीं पे भी ये नहीं सोचना अब हाँ, अब अब तो 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 बचा है अब तो बचे हैं तो ही है, तो मेरा कैसे हो नहीं हो जाएगा हो जाता है, तो उसके बाद आपकी लाइफ पूरी सेट है उस चीज को इमेजिन करो पॉजिटिविटी अपने आप ही है प्रीवियस ईयर के पेपर्स एनालाइज करने हैं आपको कोई भी uh, मतलब मार्केट से जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे वो ले लेना बुकलेट और उसमें आपको एनालाइज करना है तो देखो क्लैट की जो स्ट्रेटर्जी है ना क्लैट की स्ट्रेटर्जी ये रहती है कि जो क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर में जिन जिनपे फोकस कर चुका है ना वो वो क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता है तो जब आप पेपर्स एनालाइज करोगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आई वॉन्ट से यू कि आपको वो क्वेश्चन छोड़ देना है क्योंकि क्लैट का जो स्ट्रैटर्जी है वो क्लैट जो है रिपीटेड क्वेश्चन नहीं देता देखो मैं तो वो सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कुछ भी छोड़ो छोड़ने वाला तो कुछ भी नहीं है इट दे आर पॉसिबिलिटीज कि भाई आपने हाँ दस टॉपिक्स छोड़ दी और उसी में से सात टॉपिक्स आ गए तो तो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है बट येस एक बार गो थ्रू कर लेना उन चीज़ों के लिए आफ्टर देट इज अटेंड योर रिविजन क्लासेज और मैराथन बहुत सारे मैराथान्स चल रहे हैं जिसमें टू आवर्स में एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा थ्री आय में एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है तो उनको क्या करना है अपनी प्ले की स्पीड बढ़ा के उनको फोकस कर रहा है क्योंकि अगर आप तीन घंटे एक ही प्ले को लेके बैठ रहे हो एक ही वीडियो को लेके बैठ रहे हो तो भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास अब वी आर जस्ट लेफ्ट विद डेज तो आपको क्या करना है थोड़ा तो स्पीड बढ़ा के चीजों को रिटेन करते रहना है ऐसा नहीं है वीडियो एक बार देख ली और भूल गए ट्राई टू रिटेन थिंग्स हेयर आपको अब इसका इस्तेमाल ज्यादा करना है तो थिंग्स को यहाँ पे रिटेन करो देखते रहो एंड लॉक करते रहो यहाँ पे आफ्टर दैट अब आपका ये जो पेपर होता है ना देखो ये पैसेज बेस्ड होता है तो उसमें क्या होगा पैसेज बेस्ड है तो आपकी रीडिंग स्पीड आपको मेंटेन करनी है ट्राई टू रीड आउट द मतलब वट एवर यू आर गेटिंग की न्यूज़ पेपर रीड कर लो कोई या फिर कोई मैगजीन उठा लो तो उससे क्या होगा आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी आपकी वोकेबलरीरी बढ़ेगी वो चीज़ें मेंटेन करें अब आपको देखो जैसे वन ट्वेंटी क्वेश्चन आएँगे तो आपको क्या देना है एक मिनट देना है एक क्वेश्चन को अब भाई आपको उस एक मिनट में क्या करना है पैसेज भी रीड करना है आपको उसमें से क्वेश्चन एनालाइज भी करने हैं आंसर भी ढूंढना है तो वो आपका सिर्फ प्रैक्टिस से होगा कैसे करना रीडिंग करते रहो रीडिंग से क्या होगा रीडिंग स्पीड बढ़ेगी वोबलरी बढ़ेगी आफ्टर दैट इज इज आपको मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं आपका पेपर किस टाइप से आएगा तो वहाँ पे क्या होगा ना एकदम से देने जाओगे पंद्रह दिनों बाद तो ये नहीं होगा ओ गॉड ये क्या आ गया मॉक टेस्ट विल गिव गिवर व्यू एग्जैक्टली जैसे आपका पेपर आएगा कि भाई इतने क्वेश्चन इस पोर्शन से आएंगे इतने क्वेश्चन इस पोर्शन से आएंगे इतने क्वेश्चन इस पोर्शन से आएंगे और फिर क्या होगा जब आप पेपर कर लोगे उसके बाद जब उसको एनालाइज आप करोगे आपको पता चलेगा कि आप किस पोर्शन में ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो उस पर फोकस करो तो एटलीस्ट एक दिन में एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट यू कि आपको एटलीस्ट दो मॉक तो करने ही है दो तो करने ही है दो तो मिनिमम है दो से ज्यादा भी कर सकते हो इफ यू हैव दैट मच टाइम एंड इफ यू आर ज्यादा करने से कभी देखो कुछ नुकसान नहीं होता कम करने से नुकसान हो सकता है ज्यादा नोट डाउन करने से ज्यादा कुछ करने से कभी नुकसान नहीं होता है जो लैंडमार्क होते हैं वो तो हमने अपने स्कूल ऑफ लॉ में कर पीजी और जो भी मतलब लैंडमार्क जजमेंट हैं उनको फोकस करते रहो ठीक है तो क्लैक पीजी वाले बच्चों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि भाई उन्होंने अपने लैंडमार्क जजमेंट अपने स्कूल ऑफ लॉ में पढ़ा होता है तो यहाँ पे कुछ चीजें ये हैं कि भाई सिलेबस ओवरव्यू करना है रीडिंग स्पीड बढ़ानी है क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड होता है पूरा पेपर ठीक है और अगर आपका नेगेटिव मार्क वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले जिन क्वेश्चन में आप पूरा श्योर हो कि हाँ भाई वो हो सकता है उन पर करो नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करो अनअटेम्प छोड़ दो क्योंकि के लिए आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत है और एक क्वेश्चन सही है तो ये गलत वाला क्वेश्चन भी सही में से भी मार्क्स ले जाएगा आपके तो नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना और आपको क्या करना है रिलायबल सोर्सेज से अपनी पढ़ाई करनी है रिलायबल सोर्सेज से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के नो यू शुड यू नो गो फॉर रिलायर सोर्सिस और प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करने हैं प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करने में मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई उसमें क्या होगा आपको टॉपिक पता चल जाएंगे क्योंकि इन टॉपिक पे फोकस करा गया है तो छोड़ने तो नहीं है वो बट ये है कि ये मेक आ लिस्ट ऑफ इट की ये वाले टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में आए हैं और इनको एक बार देखना है क्योंकि तो क्लाट की स्ट्रेटी होती है कि भाई वो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम देता है वो हर साल कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन टॉपिक्स डालते हैं तो ये सब चीजें हैं कि भाई आपको पहला सबसे पहला पॉइंट है सबसे यू नो इज कि आपको पॉजिटिव रहना है और आपको सोचना है कि भाई मेरा हो जाएगा मेरा होगा या नहीं होगा ये नहीं सोचना यू जस्ट आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है पे मेरा होगा इज जो भी रिवाइज कर रहे हो उसको यहाँ पे रिटेन करना है तो यहाँ पे दो चीजें करनी है कि मेरा होगा एंड सेकेंड इज जो भी चीजें कर रहे हो उसको रिटेन करके लॉक कर देना है क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप री रिवाइज री रिवाइज री रिवाइज करो तो ट्राई टू डू थिंग्स इन

टाइम लिमिट सेट करनी है टाइम लिमिट में करना है तो देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं कॉन्टीन्यूटी मेंटेन रखनी है ऐसा नहीं है कि सुबह दस बजे उठ रहे हो तीन बजे पढ़ रहे हो नो एक रूटीन बना लो कि भाई मुझे इस टाइम अपना लंच करना है इस टाइम डिनर करना है कोई पार्टीज में नहीं जाना है कोई आउटिंग पे नहीं जाना है कहीं शॉपिंग पे नहीं जाना है अभी फिफ्टीन डेज़ के लिए मुझे सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस करना है देखो करना तो है ही ये तो सोच लें कि मेरा होगा नहीं होता है तो भी क्या आपको वो चीज़ें हेल्प आउट करेंगी फॉर योर नेक्स्ट क्लैक बट येस yes, अगर सोच लिया है कि होगा तो फॉर श्योर sure हो जाएगा क्योंकि जब आप सोचोगे ना तो आप काम भी उसी तरीके से करोगे अगर सोचोगे होगा या नहीं होगा तो फिर वो काम भी ऐसे ही होगा अगर आपने सोच लिया है कि होगा तो फिर वो उसी एफिशिएंसी से उसी कॉन्टीन्यूटी से काम होगा और वो हो जाएगा सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स विच विल हेल्प यू आउट टू क्रैक योर क्लैट इन जस्ट फिफ्टीन डेज क्योंकि टू इज फोर्टीन नवम्बर एंड फर्स्ट दिसंबर को हमारा क्लैट है तो आपको ये सब चीज़ें मेंटेन रखनी है अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है दैट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ उन्हीं चीज़ों से स्टार्ट करना है क्योंकि आप पहले ही उससे स्टार्ट कर लिए जो आपको नहीं आता तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ऑलरेडी लूज है तो वो और लो डाउन हो जाएगा तो स्टार्ट विद योर स्ट्रेंथ जिसमें आपको पता है कि आप इजिली कर सकते हो सो आई होप दीज ट्रिक्स विल हेल्प यू आउट टू क्लियर योर एग्जाम इन 15 डेज एंड यू विल बी एबल टू डू इट जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड फोकस ऑन योर गोल्स थैंक यू सो मच